चंडीगढ़ में दो दिनों तक चलने वाले जीएसटी काउंसिल ने जो फैसले लिए हैं उससे सरकार की कमाई तो बढ़ जाएगी पर आपकी जेबें ढीली हो जाएंगी। बैठक में जो बड़े फैसले लिए गए हैं उनमें कुछ सामानों पर छूट वापस लेने और कुछ पर टैक्स की दरें बढ़ाना तय हुआ है। वहीं कुछ वस्तुओं पर राहत भी दी गई है। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक बात तय हो गई है कि राज्यों को मिलने वाला जीएसटी मुआवजा नहीं बढ़ाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में लाने का फैसला फिर से नहीं हो पाया है, यानी पेट्रोलियम पर हम पहले की तरह पैसा खर्च करते रहेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से फैसले हैं जो आपकी जेबें ढीली कर सकती हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि 1 जुलाई से आपके लिए क्या क्या बदलने वाला है। डिब्बा या पैकेट बंद और लेबल युक्त यानी फ्रोजन को छोड़कर मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसी चीजों, गेहूं और अन्य अनाज और मुरमुरे पर 5% जीएसटी लगेगा। ट्रेटा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18% और एटलस समेत नक्शे या चार्ट पर 12% जीएसटी लगेगा। यहां आपको बताना जरूरी है कि चेक से पेमेंट पर जीएसटी नहीं लगेगा, बल्कि जो बैंक आपको चेक बुक जारी करते हैं उस पर 18% जीएसटी लगेगा। खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाली चीजों पर जीएसटी छूट जारी रहेगी। सौर वाटर हीटर पर अब 12% जीएसटी लगेगा, जबकि पहले 5% कर लगता था। सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो और शवदाह के लिए जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर 18% जीएसटी लगेगा। ये अब तक 12% लगता था। प्रिंटिंग / ड्राइंग इंक, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और पेंसिल, शार्पनर, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर कर की दरें 18% कर दी गई है। हालांकि परिषद ने कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ पर रिपोर्ट को मंत्री समूह के पास फिर विचार करने के लिए भेज दिया है। गोवा के वित्त मंत्री कैसीनो पर जीएसटी दर के बारे में और चर्चा करना चाहते हैं। ऐसे में ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ पर भी फिर से विचार किया जाएगा। मंत्री समूहों ने तीनों पर 28% जीएसटी लगाने की सिफारिश की थी। इस बारे में रिपोर्ट 15 जुलाई तक तैयार हो जाने की उम्मीद है और अगस्त में परिषद की अगली बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। हालांकि रोपवे के जरिए वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन और सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर कर की दर घटाकर 5% कर दी गई है, जो पहले 12% था। ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जिसमें ईंधन की लागत शामिल है उस पर 12% जीएसटी लगेगा, जो अभी 18% है। अब ऐसे आपूर्तिकर्ताओं का वस्तुओं और सेवाओं का कारोबार क्रमशः 40 लाख और 20 लाख रुपए से कम हो तो उन्हें जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने की जरूरत नहीं होगी। ये तो हो गए जीएसटी की बात, अब हम आपको बताते हैं कि 1 जुलाई से आपके लिए क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं जिसका सीधा असर आप पर पड़ने वाला है। 2022-23 के बजट में भारत सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 194 के रूप में नया सेक्शन अपडेट किया है, जिसके अनुसार डॉक्टर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अब 10% टीडीएस देना होगा। ये टीडीएस उन्हीं पर होगा जिनकी कमाई एक वित्त वर्ष में 20,000 से अधिक होगी। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया है तो आपको पता होगा कि 2022-23 के बजट में ऐसे लोगों के लिए टीडीएस अनिवार्य कर दिया गया था। अब ये प्रावधान 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है। आपको बता दें कि क्रिप्टो से लेन देन में 30% आयकर के अलावा उपकर और सेस भी लगाया जा सकता है। डिजिटल करेंसी से अगर आप 10,000 से या उससे अधिक का भुगतान करते हैं तो 1% टीडीएस लगाया जाएगा। ये नियम भी 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 30 मार्च 2022 थी, लेकिन अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो ₹500 शुल्क के साथ आप अब भी ऐसा कर सकते थे। अब 1 जुलाई से ये राशि बढ़कर ₹1,000 कर दी गई है। ये भुगतान भी चालान के जरिए होगा। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल कार्ड से ट्रांजैक्शन के लिए 16 डिजिट का यूनिक कोड जनरेट किया जाता है, इसे बैंकिंग भाषा में टोकन कहते हैं। अब जो बदलाव होने जा रहा है उससे कार्ड के बारे में कोई भी जानकारी किसी मर्चेंट, पेमेंट गेटवे जैसे पेटीएम, फोन पे जैसी थर्ड पार्टी के पास नहीं रहेगी। यानी ग्राहकों को अब अपने कार्ड के गलत इस्तेमाल का डर नहीं होगा और आपकी लेन देन पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। टोकन क्रिएट करने के लिए आपकी सहमति और ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। तो ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए बने रहिए इंडिया हिट के साथ।